मैं हूँ राजुद्दीन जंग, मेवात हरियाणा से। बिजली का जो टावर है 2,20,000 केवीए का, उस पर एक मंदबुद्धि व्यक्ति चढ़ गया था। उसे उतारने की कोशिश है, मैं लाइव तस्वीरें आपको दिखा पा रहा हूँ। ये जलालपुर फिरोजपुर के जंगलों की तस्वीरें हैं। ये नगीना खंड का गांव है, मेवात हरियाणा का। और देख रहे हो चारों तरफ करीब 10,000 की भीड़ विभिन्न गांवों से, आसपास के गांवों से, और पुलिस के डर से लोगों में भगदड़ का माहौल। क्योंकि पुलिस बार बार सोशल डिस्टेंस की बात कर रही है, दूरी बनाए रखने की बात कर रही है। यहां पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, आप देख रहे हैं चारों तरफ। और पूरी जो तैयारियां हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से वो कर ली गई हैं। ये 2,20,000 केवीए का बिजली का टावर, और उस पर ये व्यक्ति चढ़ा था। हम आपको सीधा ऊपर तक दिखा दें, ये बिजली के टावर की तस्वीरें हैं, और यहाँ ऊपर चढ़ा हुआ था। उधर अभी भी दो कर्मचारी चढ़े हुए हैं, उसको नीचे लाने की कोशिशें लगभग सफल हो चुकी हैं। देख रहे हैं आप सीधा, ये जावेद नाम का बंदा है, इसे बेल्ट और रस्सियों से बांधा हुआ है। धीरे धीरे जो कर्मचारी हैं अग्निशमन विभाग के वो ला चुके हैं। देखिए ये सारी तस्वीरें और चारों तरफ का ये नज़ारा। सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़कर लोग किस तरह उस व्यक्ति को देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। और कितनी जो आसपास के गांव हैं, जलालपुर फिरोजपुर है, हैबित का है, पुटली है, शुगरपुर है, मोला का है, और ये पुलिस के डर से लोग भाग रहे हैं। क्योंकि पुलिस बार बार सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रही है, क्योंकि लोगों को एक एक साथ इकट्ठा न होने दें, और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल पुलिस रख रही है। ये देखिए चारों तरफ से पुलिस बार बार कह रही है कि दूर रहें, दूरी बना के रखें। और जावेद नाम का जो व्यक्ति है, झिमरावट गांव का रहने वाला है, ये 5 बच्चों का पिता है, 4 लड़के हैं, 1 लड़की है। हमारे सामने नगीना पुलिस थाना के प्रभारी शमसुद्दीन और उसके साथ में ये देखिए पुलिस कर्मचारी, ये लाइव तस्वीरें आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये देखिए एम्बुलेंस में उसको ले जाने की तैयारियां चल रही हैं। और हमारे सामने जजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जान मोहम्मद अटीरना, ये देखिए पीछे एम्बुलेंस आ रही है। और जिमरावट गांव के सरपंच हैं, पुलिस प्रशासन ये पूरी तरह मुस्तैद है। ये देखिए ये पूरी तस्वीरें हैं।